नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू सिंह किचन होम रेसिपी में। आज हम बनाएंगे आलू रोट, जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे हरे मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। और कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, एवरेस्ट गरम मसाला, हल्दी पाउडर। ये सभी मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू, जो इसे बहुत बारीकी मैश नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से। आलू को चलाते हुए हम पका लेंगे थोड़ा देर, और इसमें डालेंगे उबला हुआ हरा मटर और इसे भी थोड़ा देर पका लेंगे। आलू और मटर को थोड़ा देर पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, और इसमें डालेंगे डेंगी लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया और टोमेटो केचप, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। और इसमें हम इस तरह से ग्रेट करके पनीर ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा मसाला रेडी हो गया। अब चलते हैं रोल बनाने के लिए। आटा तैयार करेंगे तो मैदे में थोड़ा सा तेल और नमक इस तरह से मिक्स कर देंगे, और पानी डाल करके हम सख्त डो तैयार कर लेंगे। और आटे को इस तरह से 5 मिनट ढककर रख देंगे, और थोड़े से आटा लेकर के इस तरह से हम लुइयां बनाएंगे। लुइयों को गोल करके इस तरह से इसे हम रोटी के आकार में बेल लेंगे। रोटी इस तरह से बनाने के बाद एक थाली में हम तेल लगा करके इस तरह से रोटी को रख देंगे, और ऊपर से भी इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसी तरह से सारे रोटियों को बना करके इस तरह से रखते जाएंगे और तेल से ग्रीस करते जाएंगे। इस तरह से सारे रोटी को बनाकर एक पैन गरम करेंगे, और पलटते हुए इस तरह से रोटी को सेक लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, इस तरह से सारे रोटियों को तैयार कर लेना है। रोटी तैयार करने के बाद हमने 3 चम्मच मैदा और इसमें पानी डालकर घोल तैयार किया है। इस तरह से एक रोटी लेंगे और स्टफिंग को भर करके इस तरह से गोल घुमाते हुए रोल तैयार करेंगे, और इसको चिपकाने के लिए जो हमने मैदे का घोल लगाया था इसे इस तरह से किनारों को चिपका लेंगे। इसी तरह से सारे रोल को हम बना करके तैयार कर लेंगे, और इसे बहुत ही बारीकी से इस तरह से चिपकाते हुए स्टफिंग को भरेंगे, और इसी तरह से सारे रोल को हम तैयार कर लेंगे। और किनारों को इस तरह से घोल में लगा करके गरम तेल में इस तरह से हम छान लेंगे। चलाते हुए इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम रोल को निकाल लेंगे, और इसी तरह से हमारा रोल बनकर तैयार हो जाएगा। ये रोल खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम सारे रोल को बना करके तैयार कर लेंगे। ये रोल बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटे छोटे बातों का आप ध्यान देंगे तो रोल काफ़ी टेस्टी बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए नए नए वीडियो लेकर हाजिर रहेंगे।